हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में स्टीलर सिस्टम, और ये टॉपिक कहां से लिया गया है, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। अब देखिए, यहाँ पर हम टेरिडोफाइटा में हम स्टीलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये जो स्टीलर सिस्टम है ये जरूरी नहीं है कि टेरिडोफाइटा में ही हो। ठीक है, तो अपने माइंड में ये गलत फहमी मत रखना कि टेरिडोफाइटा में अगर हम स्टीलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो स्टीलर सिस्टम सिर्फ टेरिडोफाइटा में ही मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी डेवलप, मतलब कि प्लांट किंगडम में जितने भी डेवलप ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में स्टीलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, और ये टॉपिक जो है आपके रिक्वेस्ट पर किया गया था, जैसे कि आप यहाँ पर कमेंट में भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इस कमेंट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं आपकी कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ, लाइक भी करता हूँ, आपकी सभी प्रॉब्लम्स को भी समझता हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीलर सिस्टम के बारे में। बाकी आपको पता है कि मैं केमिस्ट्री की भी वीडियो बनाता हूँ केमिस्ट्री के चैनल पर, और बॉटनी का भी है, और मेरा खुद की भी पढ़ाई है, तो इसलिए थोड़ा बहुत लेक्चर में देरी हो जाती है, गैप भी आ जाता है। ठीक है, तो परेशान मत हो, एग्जाम पेपर तक आपके हम जो है जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपके कवर कर दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले आइए हम समझते हैं, सब कुछ छोड़ करके अब हम टॉपिक पे आते हैं, अपने फोकस करेंगे स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा। तो पहली बात तो ये कि स्टीलर सिस्टम जरूरी नहीं है कि टेरिडोफाइटा में ही हो, ये माइंड में अपने रख लेना। ठीक है, दूसरा ये कि स्टीलर सिस्टम है क्या। ठीक है, स्टील ये जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पिलर। ठीक है, हिंदी में बोले तो स्तंभ। अब पिलर क्या है, जैसे आपने, पिलर जो है एक तरह के सपोर्ट का कार्य करता है। जैसे आपने कहीं पर सुना होगा कि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है कि इस बिल्डिंग में कई तरह के पिलर डलेंगे। ठीक है, घर मकान में जो पिलर डलता है वो क्या करता है, सपोर्ट का कार्य करता है। लेकिन जनरली जो पिलर होता है उसका मेन कार्य होता है कंडक्शन का। ठीक है, इस पिलर के अंदर जो इसका स्टीलर सिस्टम होता है इसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू भी पाए जाते हैं, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, इनके द्वारा जो है यहाँ पर कंडक्शन होता है। कंडक्शन का मतलब जैसे वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टीलर। स्टील का मतलब होता है पिलर, स्टील एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अब देखो इसको जो टेरिडोफाइट में स्टीलर सिस्टम को सबसे पहले जो है वांटिगम एंड डायोलिट ने, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1886 में 1886 में टेरिडोफाइट्स में स्टीलर सिस्टम को दिया। ठीक है, स्टील जो होते हैं, इनका कहना है कि जो स्टील है वो स्टेम एंड रूट प्लांट के किस पार्ट में, एक तो स्टेम एंड रूट के सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, जो स्टील होता है ये प्लांट एंड रूट का एक सेंट्रल पार्ट होता है, विच इज मेड अप ऑफ टिश्यू, जो कि टिश्यूज का बना होता है। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, ये हमारे पास कोई पेड़ है, ठीक है, जो कि डेवलप है पूर्ण रूप से। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैंने कोई टेरिडोफाइटा लिया है। यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि टेरिडोफाइटा में ही स्टीलर सिस्टम पाया जाता हो। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स में भी पाए जाते हैं जो कि पूर्ण रूप से डेवलप हैं। ठीक है, फंजाई में नहीं पाया जाता, ब्रायोफाइटा में जो है नहीं पाया जाता, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एल्गी में भी नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ पर ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं यहीं से स्टीलर सिस्टम का विकास हुआ, मतलब कि इसमें प्रिमिटिव टाइप का स्टीलर सिस्टम टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम कोई प्लांट हमने लिया है जो कि एक मेन किसी बड़े ग्रुप का है, प्लांट किंगडम के एक बड़े से ग्रुप का, इसको हम यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, इसको बीच से हम इसको ट्रांसफर सेक्शन कर देंगे इसका। ठीक है, इस तरह से सेक्शन करना ट्रांसफर सेक्शन कहलाता है। तो देखो जब हम इसको बीच से इस तरीके से सेक्शन काट कर देखते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से, और जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि जो जंगल में आप लकड़ियां जो काटते हैं उन लकड़ियों की अगर हम ध्यान से देखें बीच में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब जब इसको बीच में से काट करके हम ट्रांसवर्स सेक्शन को देखते हैं तो जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, उसके जस्ट अंदर वाला पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स, उसके बाद आता है एंडोडर्मिस, और फिर उसके अंदर आता है पेरिसाइकल। अब इस पेरिसाइकल के अंदर होते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, पिथ भी हो सकता है। ठीक है, वो सब हम जैसे जैसे यहाँ पर अभी आपको जब हम पढ़ेंगे स्टीलर सिस्टम को कि कितने प्रकार के होते हैं उसमें आपको बताऊंगा कहाँ पर पिथ पाया जाता है कहाँ पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल भी लेकर के चलेंगे। तो अब देखो हमने काट करके इसको ट्रांसफर सेक्शन जब काट करके देखा तो इसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल। अब ये जो पूरा पेरिसाइकल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब इसके अंदर जाइलम, फ्लोएम एंड पिथ भी पाया जा सकता है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम तो जनरली पाया जाता है लेकिन पिथ हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब आपको यहां पर ये समझना है,
ठीक है, यहां तक तो आपने इतना समझ लिया। तो जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखो गाइस, जाइलम और फ्लोएम को बहुत ही डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा टिश्यू, उस वीडियो को भी मैं अपलोड कर दूंगा, टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। प्लांट में जो टिश्यू सिस्टम होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से हम स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो जाइलम और फ्लोएम है क्या है, एक प्रकार का टिश्यू आता है जो कि मिक्स्ड टिश्यू के अंदर आता है, ठीक है, उसकी कैटेगरी मिक्स्ड टिश्यू के अंदर आएगा। देखो ये जो जाइलम और फ्लोएम है इसका मेन कार्य क्या होता है, सबसे पहले हम जाइलम की बात कर लेते हैं। तो ये पानी के अंदर, जैसे बड़े बड़े प्लांट होते हैं इनकी जड़ें नीचे नीचे तक सोइल के अंदर चली जाती है, तो मिट्टी में जो मिनरल्स होता है, मिनरल सॉल्ट्स जो प्रेजेंट होता है, जो कि इन पेड़ के लिए, पूरे पेड़, पूरे प्लांट के लिए जरूरी है। नंबर टू, पेड़ को पानी भी जो है इसी के इस जाइलम के द्वारा ही पानी का जो है अब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम कंडक्शन बोलते हैं, संवहन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संवहन तंत्र। तो अब यहां पर मैंने आपको बताया जो जाइलम है वो वाटर कंडक्शन का कार्य करता है, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है और साथ में मिनरल सॉल्ट्स भी प्लांट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहां से जैसे कि ये सपोज दैट कि यहां पर ये पूरा पानी भरा हुआ है और यहां पर थोड़ा मिनरल सॉल्ट है, ये जो है एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट के सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, पत्ती, तना, फूल, पत्ती, आम, जो भी मतलब कि जो भी उसके फ्रूट्स होगा वहां तक वो उसको प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। अब नंबर सेकंड पॉइंट ये आता है कि फ्लोएम का क्या कार्य है, जाइलम को आपने देखा। तो जाइलम, देखो एक और चीज आपको नोट करना होगा कि जाइलम जो होता है वो चार पार्ट्स में बना होता है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, जाइलम जो होता है मेनली चार पार्ट्स में इसको हम डिवाइड किया जा सकता है, मतलब कि बना होता है, विच इज मेड अप ऑफ फोर पार्ट्स, जैसे कि ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड वुड पैरेन्काइमा एंड वुड फाइबर्स, ठीक है, ये चार प्रकार से। अब यहां पर आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या ये सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो नहीं, ठीक है। जो जाइलम के अंदर जो ट्रेकिड्स हो सकता है किसी प्लांट में या किसी ग्रुप में अब्सेंट हो, ठीक है, हो सकता है किसी में विसल्स अब्सेंट हो, इसी के बेस पर कहीं कहीं पर बताया जाता है कि जी हाँ यहाँ पर इस प्लांट के अंदर जाइलम तो पाया जाता है बट उसमें जो है ट्रेकिड्स अब्सेंट होता है या फिर विसल्स अब्सेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये जो पॉइंट है ये आपको पूर्ण रूप से, तो यहाँ पर हम वहां पर पढ़ेंगे प्लांट के टिश्यू सिस्टम में, यहाँ पर इसलिए बताया ताकि आपको पोजिशन पता चल जाए, ठीक है। एक्चुअली जनरली क्या होता है कि जब आप कोई प्रोफेसर या कोई टीचर आपके लेक्चर दे रहे हो तब आप वहां पर ये सोचते हैं कि व्हाट इज कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल क्या होता है आपके माइंड में सिर्फ इतना चलता है उस समय, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कंपेनियन सेल्स क्या है। तो देखो जब तक आपको कुछ भी नहीं पता लेकिन आपको इतना जरूर पता चल जाएगा कि एक टिश्यू का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि फ्लोएम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जाइलम को हम चार, जाइलम जो होता है चार पार्ट्स का बना होता है, ठीक है, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि ट्रैकेट्स, वेसल्स, वुड एंड वुड पैरेन्काइमा, वुड फाइबर्स। और जो फ्लोएम होता है वो शिव एलिमेंट्स का बना होता है, कंपेनियन सेल्स का बना होता है, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स और बास्ट फाइबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि कई कई जो आपके टीचर्स होंगे वो बोल रहे होंगे कि फ्लोएम तो पाया जाता है इस प्लांट के अंदर या इस स्टेम के अंदर, हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट कर देखते हैं तो उसमें फ्लोएम तो पाया जाता है बट वहां पर कंपेनियन सेल अब्सेंट होता है, तो इसका मतलब यही चीज है, ठीक है। ये पार्ट्स होता है, किसका पार्ट है, फ्लोएम का पार्ट है, ठीक है। ये इसके द्वारा सभी के सभी जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है सब फ्लोएम का एक पार्ट होती है। तो इतनी बात पता चल गई कि जो जाइलम होता है इसका अगर फंक्शन के बेस पर इसको मैं आपको बताऊं तो जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल सॉल्ट को कंडक्शन करता है, सोइल से पूरे प्लांट के पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ये जो फ्लोएम होता है ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के द्वारा जो भी फूड मटेरियल बनता है, ठीक है, जैसे पत्तियां आपको पता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के द्वारा जो भी फूड बनता है, स्टोरेज ऑफ फूड, वो पूरे प्लांट को जो है प्रोवाइड कराता है, जड़ से लेकर के स्टेम से लेकर के पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये कार्य होता है फ्लोएम का, फ्लोएम के अंदर शिव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम, ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी तक आपको इतना समझ में आया कि ये जो स्टीलर सिस्टम होता है ये एक तरीके से कंडक्शन का कार्य करता है, ठीक है, इसका कार्य होता है कंडक्शन, और दूसरा होता है सपोर्ट का भी कार्य करता है, ठीक है, जैसे कि आप यहां पर इसका मतलब पिलर का मतलब भी आप समझ सकते हैं कि सपोर्ट। सो यहां तक समझ में आया, इसको पहले नोट करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट। सो गाइज, अब हम स्टडी करेंगे टेरिडोफाइटा में जितने भी तरह के जो स्टीलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। तो अब हम टेरिडोफाइटा में आ चुके हैं, हेडिंग डालेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स मीट विद इन टेरिडोफाइट्स।
तो देखो टेरिडोफाइटा में जो है जनरली पांच प्रकार के, ठीक है आप यहाँ पर ये नोट करेंगे, पांच प्रकार का स्टीलर सिस्टम पाया जाता है। नंबर फर्स्ट प्रोटोस्टील, नंबर सेकंड साइफोनोस्टील, नंबर थर्ड सोलेनोस्टील, नंबर फोर्थ डिक्टियोस्टील एंड नंबर फाइव पॉलीस्टील। ठीक है, प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील, पॉलीस्टील, ये पांच प्रकार के स्टीलर सिस्टम पाए जाते हैं। अभी अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तब आपको थोड़ा क्लियर समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में जस्ट जब हम प्रोटोस्टील को स्टडी करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये जो स्टीलर सिस्टम है वो किस तरीके से आपको समझना है। देखो अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे प्रोटोस्टील के बारे में, ठीक है। अब हमको यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन चारों के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्रोटोस्टील के बारे में। तो जो प्रोटोस्टील है उसको जेफरी ने, ठीक है एक साइंटिस्ट है जेफरी, जिन्होंने 1903 में उन्होंने कहा कि ये उनके अकॉर्डिंग ये एक सिंपल टाइप की प्रिमिटिव टाइप का प्रोटोस्टील है, ठीक है, मतलब एक स्टीलर सिस्टम है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो ट्राइडोफाइटा मिलने वाले जो स्टीलर सिस्टम होता है वो पांच प्रकार का होता है, प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, ठीक है, ये सब के सब क्या है, स्टीलर है। ठीक है, अब ये टाइप्स, अभी उस स्टीलर के टाइप्स हैं कि भाई प्रोटोस्टील है या साइफोनोस्टील है, सोलेनोस्टील है, डिक्टोस्टील है, पॉलीस्टील है। अब हम अगर बात करते हैं प्रोटोस्टील की, तो जेफरी के अकॉर्डिंग 1903, ठीक है, उन्होंने 1903 में कहा था कि एक सिंपल और प्रिमिटिव टाइप का प्रोटोस्टील होता है। ठीक है, जो सबसे प्रिमिटिव टाइप का या सिंपल टाइप का स्टीलर सिस्टम है वो है प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील में क्या होता है, ठीक है, इस चीज को भी समझो कि प्रोटोस्टील हम किसे कहेंगे, जिसमें फाउंड इन लाइकोपोडियम, ये लगभग लाइकोपोडियम में पाया जाता है, सिलेजिनेला में पाया जाता है या राइनिया में पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है जो प्रोटोस्टील कहां कहां पर पाया जाता है, कौन कौन से ये टेरिडोफाइट में पाया जाता है, एक होता है लाइकोपोडियम जो कि आपके सिलेबस में है, सिलेजिनेला में कंप्लीट करा चुका हूं, और राइनिया। ठीक है, तो इन तीनों में प्रोटोस्टील टाइप का स्टीलर सिस्टम पाया जाता है। अब यहाँ पर ये हमें ये पता चलना है कि पता करना है कि आखिर ये जो प्रोटोस्टील है इसकी कंडीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो एक एक तरह से एक सेंटर पार्ट होता है, सेंटर पार्ट में जो जाइलम होता है, ठीक है, प्रोटोस्टील के अंदर जो जाइलम होता है वो सराउंडेड बाय फ्लोएम, ठीक है, वो फ्लोएम से सराउंडेड होता है, पेरिसाइकिल से और एंडोडर्मिस से। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर को बड़ी ध्यान से देखो, ठीक है, नॉर्मल तरीके से अगर मैं इसको, ये सब ये जो है प्रोटोस्टील के टाइप है, प्रोटोस्टील को फर्दर फोर टाइप में डिवाइड किया गया, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील, मिक्सिड प्रोटोस्टील। ठीक है, ये सब के सब जो है प्रोटोस्टील को फर्दर डिवाइड करके चार भागों में डिवाइड कर दिया गया, किस बेस पर, जैसा कि आप यहाँ पर जो फ्लोएम का आप देख, जाइलम के और फ्लोएम की कंडीशन के बेस पर। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि प्रोटोस्टील क्या होता है, जिसमें जो जाइलम होता है, ठीक है, जो जाइलम होता है वो फ्लोएम और पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस के द्वारा घिरा रहता है, ठीक है, सराउंडेड रहता है। तो ये सभी के सभी आप ध्यान से देखो इस, अब देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर को, ठीक है, क्योंकि आपको मेन चीज जो है वो स्ट्रक्चर आती है, ये बोल इसको हम बोलते हैं इपिडर्मिस। जब भी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जब आप किसी भी प्लांट के स्टेम को या रूट को सेक्शन करते हो तब आपको उसका जो सेक्शन में दिखाई देगा सबसे पहले बाहरी की तरफ जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो होगी इपिडर्मिस, जस्ट उसके अंदर कॉर्टेक्स, उसके जस्ट अंदर एंडोडर्मिस, ठीक है, फिर उसके बाद पेरिसाइकिल। तो ये जो पेरिसाइकिल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर आएगी, जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, पित्त अगर है तो ठीक है, वरना नहीं तो वो भी अगर पित्त है तो उसमें इंक्लूड कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर पित्त है तो वो सब की सब किस में आएंगी, ये सब की सब आएंगी पेरिसाइकिल के अंदर। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर में आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है जाइलम को। ये जो आपको रेड रेड कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है डॉट डॉट, इसको हम बोलेंगे फ्लोएम। ठीक है, और ये जो साइकिल आपको दिखाई दे रही है, ये बाहरी वाली जो साइकिल है वो तो एंडोडर्मिस है, जो अंदर वाली साइकिल है उसको हम बोलेंगे पेरिसाइकिल, और ये जो आउटर पार्ट वाला, ये आउटर वाली जो बड़ी सी साइकिल है इसको हम बोलेंगे, इस सर्कल को इपिडर्मिस। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन पता चल गया। अब इन सभी चारों के चारों स्टीलर सिस्टम को देखो, ठीक है, इन सभी प्रोटोस्टील को ध्यान से देखो, इसमें जो जाइलम है, जो ग्रीन वाला पार्ट है, वो चारों तरफ से सराउंडेड है। ठीक है, किससे, फ्लोएम से, पेरिसाइकिल से, एंडोडर्मिस से। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोमेनक्लेचर इसलिए नहीं किया है ताकि आपको यहाँ पर पहले ही पता चल चुका है कि जो यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो ग्रीन कलर की लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये जाइलम को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो रेड वाली है वो सब फ्लोएम को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो साइकिल है उसके ऊपर जो साइकिल है, जो इन दोनों को घेर रख के रखा है, उसमें बोलेंगे पेरिसाइकिल, और जस्ट उसके ऊपर एंडोडर्मिस, और ये बाहर वाली जो बड़ी सी साइकिल है, गोलाकार स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। तो अब आपको यहां पर पता चल गया यह है कि
प्रोटो स्टील वह स्टीलर सिस्टम होता है जिसमें जाइलम जो है वो फ्लोएम और पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस के द्वारा वहां पर सराउंडेड रहता है। अब इसको चार भागों में डिवाइड किया गया, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील, मिक्सिड प्रोटोस्टील। तो जो हैप्लोस्टील होता है उसमें क्या है, देखें हैप्लोस्टील में आप देखेंगे कि इसमें जो जाइलम होता है सराउंडेड बाय फ्लोएम, सिर्फ आपको इतना समझना है, इतना लिखना है कि जो जाइलम है वो फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड है, ठीक है। इस तरह का एग्जांपल आपको मिलेगा सिलेजिनेला में, ठीक है, सिलेजिनेला क्रूसियाना, ठीक है, सिलेजिनेला की स्पीसीज है क्रूसियाना, ठीक है, ये उसका एग्जांपल है। अब यहां पर आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये जो स्ट्रक्चर्स बनाई गई इससे हमें प्रैक्टिकल रूप से क्या फायदा है। तो जब भी आप किसी स्टेम की स्टडी करते हैं या फिर आप किसी रूट को स्टडी करते हैं, तब आपको अगर सेंटर में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, ठीक है, कहीं पर आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, कब कहीं पर आपको इस तरीके से, या फिर जाइलम की पोजीशन के बेस पर आप वहां पर बता सकते हो कि हाँ इसमें हैप्लोस्टील है, यहाँ पर एक्टिनोस्टील है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप स्ट्रक्चर को देखोगे कि इसमें जाइलम जो है वो फ्लोएम के द्वारा कंप्लीटली सराउंडेड है, तो आपको पता चल जाएगा ये प्रोटोस्टील है, इतना क्लियर हो जाएगा। अब आपको पता है कि भाई जो प्रोटोस्टील होता है फर्दर चार भागों में डिवाइड है, तो अब यहाँ पर वो उसमें से कौन सा है, तब आपको जब दिखाई देगा कि जो एक्टिनोस्टील है उसमें क्या होता है, जो सेंटर में जो जाइलम प्रेजेंट होता है वो रेडिएटिंग रिब्स में डिवाइड होने के कारण एक स्टार शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तब आप तुरंत कह दोगे कि हाँ इसलिए जो है एक्टिनोस्टील है, ठीक है। जैसे अब आप लाइकोपोडियम सेरेटम इसका एग्जाम्पल है, जब आप उसके सेक्शन को काट कर देखोगे तो उसमें आपको कुछ इसी तरह का एक्टिनोस्टील दिखाई देगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिखाई देगा। तो इन सभी के साथ आपको नॉर्मल तरीके से एग्जाम पेपर में किस कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी में एक्सप्लेन करें चाहे आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, आपको इन पॉइंट के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सबसे पहला तो ये कि आपको प्रोटोस्टील को कैसे एक्सप्लेन करना है कि जो जाइलम होता है वो फ्लोएम के द्वारा कंप्लीटली सराउंडेड होता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हैप्लोस्टील को आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो जाइलम है वो गोल कलर की एक स्ट्रक्चर सेंटर में प्रेजेंट होता है, मतलब आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं हैप्लोस्टील में जो जाइलम है वो बिल्कुल सेंटर कोर में प्रेजेंट होगा और उसके चारों तरफ जो है वो फ्लोएम से और पेरिसाइकिल से सराउंडेड रहता है। एक्टिनोस्टील के बारे में आप इतना लिख सकते हैं जो सेंटर में जाइलम होता है, ठीक है, और जाइलम जो होता है वो रेडिएटिंग रिब्स में डिवाइड होने के कारण एक स्टार शेप स्ट्रक्चर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक स्टार शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। और एग्जांपल भी आप लिख देंगे, जैसे इसका हैप्लोस्टील का एग्जांपल आपको सिलेजिनेला क्रोसियाना और एक्टिनोस्टील का लाइकोपोडियम सेरेटम। नंबर थर्ड आता है प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील में भी आप देखें तो इसमें भी जो जाइलम होता है वो फ्लोएम से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें जाइलम देखें तो किस किस तरीके से अरेंज है। जाइलम अपीयर्स टू बी इन फॉर्म ऑफ सेपरेट प्लेट, ठीक है, अलग अलग एक तरह से प्लेट के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है प्लेक्टोस्टील, ठीक है, प्लेट के रूप में दिखाई दे रहा है विद फ्लोएम इन बिटवीन। ये जो बीडब्ल्यू लिखा हुआ है शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, आप यहाँ पर लिख लेंगे बिटवीन देम। जाइलम प्लेट्स आर अरेंज इन पैरेलल टू ईच अदर, देख सकते हैं आप एक तरह से पैरेलली ये अरेंज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। बाकी आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि प्रोटोस्टील वो स्टीलर सिस्टम है जिसमें जाइलम सेंटर में प्रेजेंट होता है और फ्लोएम द्वारा, पेरिसाइकिल द्वारा और एंडोडर्मिस द्वारा घिरा रहता है। मिक्सिड प्रोटोस्टील में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जाइलम और फ्लोएम पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मिक्सिड प्रोटोस्टील, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, जाइलम आर डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स, ठीक है, गोल गोल स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है जिसमें जो जाइलम है, ठीक है, ये फ्लोएम में पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम सेरेनम, ठीक है, लाइकोपोडियम सेरेनम जो है इसका सही एग्जांपल है। तो ये है पूरा, हमने डिस्कस कर लिया प्रोटोस्टील के बारे में। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, प्रोटोस्टील में आपको क्या याद करना है, सिर्फ इतना याद करना है कि इसमें जो जाइलम होता है वो फ्लोएम के द्वारा और पेरिसाइकिल के द्वारा एंडोडर्मिस के द्वारा घिरा रहता है, ठीक है। कहीं भी आपको सेक्शन, जब भी आप एक्सपेरिमेंट या फिर जब भी आप माइक्रोस्कोप से किसी रूट को स्टडी कर रहे हो या फिर स्टेम को स्टडी कर रहे हो, आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई दे कि जाइलम जो है फ्लोएम से घिरा हुआ है, तब आप वहां पर कह सकते हैं कि दिस इज टाइप ऑफ स्टीलर सिस्टम, ये कौन सा स्टीलर सिस्टम है, प्रोटोस्टील सिस्टम है। अब हम डिस्कस करते हैं साइफोनोस्टील के बारे में। सबसे पहले आप इसके नोट कीजिए। तो गाइज अगर हम बात करें साइफोनोस्टील के बारे में, तो साइफोनोस्टील में सिर्फ इतना डिफरेंस है, ये भी एक तरह का प्रोटोस्टील ही होता है, ठीक है, प्रोटोस्टील के द्वारा ही ट्रांसफॉर्मेटेड होता है, बट इसमें छोटा सा अंतर क्या है प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील में, पिथ, ठीक है, साइफोनोस्टील में पिथ होती है, ठीक है, सेंटर कोर में प्रेजेंट होती है पिथ, ठीक है, ये थोड़ा इससे डेवलप हो जाता है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इसका डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा, यही इसका इवोल्यूशन है, जो कि बताता है कि प्रोटोस्टील से ही अलग अलग तरह की जो स्टीलर सिस्टम है उसका विकास हुआ। तो
तो आपको सिर्फ यहाँ पर, अब हम साइफोनो स्टील की बात करें तो इसमें सिर्फ आपको इतना नोट करना है कि इसके सेंटर कोर में पित्त प्रेजेंट होता है एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेटेड बाय प्रोटोस्टील। ये प्रोटोस्टील का ही एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, इसमें जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर देखेंगे, फ्लोएम के बीचों बीच आ गया है पित्त, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लोएम है वो फिर दोबारा से आप देखेंगे तो उसमें जाइलम को घेरे रखता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जाइलम इज ऑल्सो सराउंडेड बाय फ्लोएम, ठीक है, जो कि प्रोटोस्टील में भी यही कंडीशन थी। बट यहाँ पर प्रोटोस्टील में क्या था कि जाइलम के बीच में कोई पित्त प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पर पित्त प्रेजेंट होता है विच इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज, ठीक है। पित्त जो होता है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का बना होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो बाहर की तरफ एपिडर्मिस, ठीक है, ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये एपिडर्मिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बाद कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर इसके बाद ये फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये उसके बाद जाइलम प्रेजेंट होता है। इस तरह का जो साइफोनोस्टील है इसको हम बोलेंगे एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, ठीक है। साइफोनोस्टील दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, नंबर सेकंड एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। तो एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील क्या है, फ्लोएम इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द जाइलम, ठीक है, फ्लोएम जो होता है वो जाइलम के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। बट वहीं पर हम बात करें एम्फीफ्लोइक की साइफोनोस्टील के बारे में तो इसमें आप देखेंगे कि जो जाइलम है वो इनर एंड आउटर दो तरह के फ्लोएम से गिरा हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जाइलम इज सराउंडेड बाय बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली फ्लोएम, ठीक है। देखो ये जो रेड कलर की जो स्पॉट्स है मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये फ्लोएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ग्रीन कलर के लाइनिंग है ये रिप्रेजेंट कर रही है जाइलम को, ठीक है। तो इस तरीके से जाइलम आप देख पा रहे हैं दो तरह के, एक तो एक्सटर्नल जो बाहरी तरफ से जो जाइलम फ्लोएम है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फ्लोएम, और जो इनर वाला जो रेड रेड कलर का आपको सर्कल दिखाई दे रहा है इसमें आपको ये जो है ये भी फ्लोएम है, ये भी फ्लोएम है, ये एक्सटर्नल ये इंटरनल फ्लोएम है, और इसके बीच में प्रेजेंट होता है जाइलम, ठीक है। तो जाइलम जो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लोएम के बीच प्रेजेंट होता है। इस तरह का जो साइफोनोस्टील होगा इसको हम कहेंगे एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। इसका एग्जांपल है मर्सीलिया, ये जो है मर्सीलिया में पाया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रोटोस्टील से नीचे की तरफ आओगे उसी वैसे वैसे यहाँ पर इसका डेवलपमेंट कुछ अलग अलग तरह का इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टेरिडोफाइटा में कुछ इसी तरह के जो है प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, सोलेनोस्टील, डिक्टोस्टील, पॉलीस्टील, इस तरह का जो है स्टीलर सिस्टम पाया जाता है, इसको नोट करें। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोलेनोस्टील, डिक्टोस्टील एंड पॉलीस्टील के बारे में, ठीक है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रोटोस्टील के बारे में, सेकेंड हमने डिस्कस किया साइफोनोस्टील के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे सोलेनोस्टील के बारे में, ये कितने प्रकार का होता है। तो देखो सोलेनोस्टील जो होता है हम कह सकते हैं कि ये साइफोनोस्टील का ही एक रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइफोनोस्टील, ठीक है। तो जो सोलेनोस्टील है ये साइफोनोस्टील, मैंने आपको बताया कि ये जो पॉलीस्टील है, ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि ये जो पॉलीस्टील है ये बना है डिक्टियोस्टील से, ये जो डिक्टियोस्टील है ये बना है सोलेनोस्टील से, ये जो सोलेनोस्टील है बना है साइफोनोस्टील से, साइफोनोस्टील जो है वो डेवलप हुआ है प्रोटोस्टील से। तो ये क्या हो रहा है कि प्रोटोस्टील से ही इन सभी का डेरिवेशन हुआ, बस होता क्या है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज आता जा रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ड्यू टू द प्रेजेंटेशन ऑफ लीफ गैप, अब देखिए ये जो सोलेनोस्टील होता है इसमें लीफ गैप प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये परफोरेटेड होती है, परफोरेटेड का मतलब छिद्रित, ठीक है, इसमें जो है छिद्र प्रेजेंट होता है, पोर आप कह सकते हैं। तो सोलेनोस्टील कहाँ पर पाए जाते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फंस, ठीक है, फंस में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा था कि साइफोनोस्टील भी दो प्रकार के होते हैं, सेम उसी तरीके से ये भी एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक होते हैं, इसको हम बोलेंगे एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील एंड एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील, ठीक है। अब आइए आप सबसे पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक्टोफ्लोइक के बारे में। तो इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता, जैसा आपने पढ़ा था कि साइफोनोस्टील के बारे में सेम ऐसा ही होता है, बट इसमें क्या है, इसमें कोई नया स्ट्रक्चर क्या निकल कर आया, वो होता है लीफ गैप, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स, आउटर एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें लीफ गैप, जाइलम एंड फ्लोएम। अब भी आप क्या देख रहे हैं कि जो जाइलम होता है बीच में पिथ है, उसके ऊपर उसके बाद क्या है, जाइलम है, जाइलम के बाद क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आया होगा कि ये जो लीफ गैप है ये क्यों क्रिएट होता है, मतलब ये लीफ गैप क्यों उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। जैसे ये हमारे पास कोई स्टेम है, ठीक है, तना है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास कोई तना है और इस पर ये पत्ती लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से ये पत्ती, इस तरीके से पत्ती, मतलब चारों तरफ एक मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये पत्ती लगी हुई है, ठीक है।
चलिए अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये देखिए, ये है एक लीफ, ठीक है, जो कि इस तने से अटैच है। आपने क्या किया, इसका सेक्शन काटा। सेक्शन काटकर जब आप यहां पर देखते हैं तो आपने क्या देखा कि इसमें लीफ गैप प्रेजेंट होता है। ये इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको, जो हम अब तक के ये सब जो पूरा का पूरा स्टीलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इस स्टीलर सिस्टम में इसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो इस लीफ में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इससे अटैच है। तो यहाँ पर इसमें जो थोड़ा सा जो स्टीलर सिस्टम है, इसमें जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, थोड़ा सा हल्का सा पार्ट यहाँ से कट करके आप कह सकते हैं कि ये चला जाता है थोड़ा लीफ में, इसीलिए यहाँ पर इसमें लीफ गैप प्रेजेंट आ जाती है, ठीक है। ये लीफ ट्रेस है, ये स्ट्रक्चर। इन दोनों में क्या अंतर है, ये तो है एक्टोफ्लोइक, ये है एम्फीफ्लोइक। देखो एक्टोफ्लोइक में सिर्फ जो है आप इसको, इन दोनों में डिफरेंशिएशन अगर आपको देखना है तो इसमें आप देखेंगे जो जाइलम होता है वो पूरा का पूरा जो सराउंडेड होता है फ्लोएम के साथ, बट यहाँ पर आप देखेंगे इनर एंड आउटर दोनों तरह के यहाँ पर आपको फ्लोएम दिखाई देंगे, ठीक है। आप देखेंगे इनर में भी फ्लोएम है, आउटर में भी फ्लोएम है, और जाइलम इन दोनों इनर एंड आउटर फ्लोएम से ढका होता है, ठीक है, सराउंडेड होता है। और इसमें भी लीफ गैप एंड लीफ ट्रेस प्रेजेंट होता है, दोनों में लीफ गैप लीफ ट्रेस प्रेजेंट होता है। और ये जो लीफ गैप और लीफ ट्रेस इसलिए प्रेजेंट आता है क्योंकि यहाँ पर ये हल्का सा इसका जो स्टीलर सिस्टम का पार्ट है आप स्टेम में देखते हो तो वो क्या होता है कि वो लीफ में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा डिक्टिव स्टील के बारे में। तो देखो डिक्टिव स्टील में कुछ नहीं है, इसमें भी सेम वही है। आप ऐसा कह सकते हो कि जो डिक्टिव स्टील होता है वो सोलेनोइड स्टील का ही एक रूपांतरण है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसा कि यू कैन सी यहाँ पर भी सेम वही स्ट्रक्चर है। बस आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात क्या है, क्योंकि सब में हमने क्या देखा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर है। इसमें क्या एक्स्ट्रा है, क्या डेवलपिंग आई है कि ये जो आप देख पा रहे हैं साइलम फ्लोएम ये होते हैं, ये इसमें ज्यादा लीफ गैप प्रेजेंट हो जाती है। इसमें आप देखेंगे चारों तरफ से, यहाँ पर तो सिर्फ एक लीफ गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लीफ गैप इसमें बन जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं साइलम और फ्लोएम और पेरिसाइकिल मिल करके क्या बना लेते हैं, मेरिस्टील्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, जो जो गोलाकार अंडाकार स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इसको बोलेंगे हम मेरिस्टील्स, और इसमें बहुत सारे लीफ गैप बन जाते हैं, ठीक है। और ये लीफ गैप कब बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तो बताया सिर्फ एक पत्तियां हैं, हो सकता है इसकी एक ही स्टेम पर एक ही जगह पर चार पत्तियां इस तरीके से लगी हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये तो 2D डायग्राम है, 3D होता तो मैं आपको दिखा देता कि उस पार भी एक पत्ती लगी हुई है चारों तरफ से। तो क्या होगा, वो चारों पत्तियों में थोड़ा थोड़ा सा जो स्टीलर सिस्टम है वो चला जाएगा। अब वो जब चारों पत्तियों में स्टीलर सिस्टम चला जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से, इसका जो स्टीलर सिस्टम है कुछ इस तरीके से सेक्शन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको चारों तरफ से लीफ गैप प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक लीफ, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक लीफ बन गई, यहाँ पर एक लीफ बन गई, यहाँ पर एक लीफ बन गई, यहाँ पर एक लीफ बन गई। तो इनमें लीफ में थोड़ा थोड़ा सा पार्ट इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसमें लीफ में थोड़ा थोड़ा सा, इसीलिए लीफ गैप बनता है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पॉलीसाइक्लिक स्टील के बारे में, ठीक है। यहां तक आपने समझ लिया कि ये जो लीफ गैप है क्यों बनता है, क्योंकि लीफ के अंदर थोड़ा थोड़ा सा इसमें स्टीलर सिस्टम चला जाता है। पॉलीसाइक्लिक स्टील में क्या है, इसमें आप ध्यान से देखिए तो इसमें कुछ ज्यादा ही लीफ गैप बन जाते हैं, ठीक है। और साथ में कॉर्टेक्स आप देखेंगे, ये होता है पिथ, और ये जो इसमें भी सेम वही है जैसा कि आप देख पा रहे, इसको भी आप कह सकते हैं कि दीज आर ट्रांसफॉर्मेटेड बाय डिक्टिव स्टील, ठीक है। पॉली स्टील जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेटेड होता है डिक्टिव स्टील का, ठीक है। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, बस इसमें जो है थोड़ा सा अल्टरनेटिंग में इसके जो रिंग्स हैं वो अल्टरनेटिंग में लगातार उत्पन्न होते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने देख लिया पोरोटो स्टील, साइफोनो स्टील, सोलेनो स्टील, डिक्टो स्टील, पोली स्टील। और एग्जाम पेपर में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे पोली, बढ़िया से सबसे पहले आपको डायग्राम याद होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, नॉर्मल तरीके से अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, सिर्फ एक मिनट और दो फिर उसके बाद आप, मैं ये वीडियो धीरे धीरे क्लोज कर दूंगा। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोटो स्टील के बारे में। प्रोटो स्टील को आपको इतना याद रखना है, ये सबसे सिंपल है। इसमें क्या होता है, जो जाइलम होता है वो सराउंडेड बाय फ्लोएम, इतनी बात क्लियर। उसके बाद आपने देखा जब आप साइफोनो स्टील में एंटर करते हैं तब आपको दिखाई देता है कि इसमें जो है पिथ एंटर कर जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप सोलेनो स्टील में एंटर करते हैं तो आपने देखा उस पिथ में आप यहां पर देखेंगे तो गैप प्रेजेंट होता है। पिथ यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बट यहां पर पिथ तो आ गया लेकिन क्या हो रहा है, लीफ गैप बन रहा है, ठीक है। सोलेनो स्टील में जब पहली बार आपने एंटर किया तो आपने देखा लीफ गैप बन रहा है, लेकिन जैसे आप डिक्टिव स्टील में एंटर करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि यहां पर चारों तरफ से लीफ गैप बन रहा है। यहां पर तो एक ही लीफ गैप था बट यहां पर लीफ गैप ज्यादा बड़ा हो रहा है। पोली स्टील में आपने देखा कि यहां पर और ज्यादा लीफ गैप है, और साथ में यहां पर आपने देखा कि इसमें अल्टरनेटिंग रिंग्स बन रही है, ठीक है, जो कि लगातार प्रोड्यूस होती रहती हैं।
तो आपने देखा कि ये होता है, इसी को बोला जाता है इवोल्यूशन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इवोल्यूशन, अगर आप स्टीलेस सिस्टम में इवोल्यूशन को देखो तो आप क्या कह सकते हो कि जो प्रोटो स्टील है इसी स्टील से पूरा का पूरा साइफोनो स्टील बना, सोलेनो स्टील बना, डिक्टो स्टील बना, पोली स्टील बना। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आप कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये जो वीडियो बनाया था मैंने इसलिए बनाया था ताकि किसी की रिक्वेस्ट की वजह से, कि उनको जो जरूरी था कि सर वहाँ पर आप स्टीलर सिस्टम को समझाइए। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।